जय हिंद फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए एसएसबी का डेट सिलेक्शन लिंक जारी कर दिया गया है आपका एनडीए 1/2023 को लेकर। तो अभी आप ज्वाइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। आपको दिखाने वाला हूँ कि अपडेट क्या आया है एनडीए 1/2023 एसएसबी के डेट सिलेक्शन लिंक को लेकर, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि डेट को सिलेक्ट करने वक्त आपके माइंड में क्या कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, और आगे आने वाले वीडियो में कॉल लेटर को किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से फिल करना है, और जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन कौन से ड्रेसेस लेकर जाने हैं, क्योंकि ये जो एसएसबी का प्रोसेस होता है 5 डेज़ का प्रोसेस होता है। तो ये 5 डेज़ में आपको क्या करना है, सारे तमाम डाउट आपको आगे आने वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस एसएसबी इंटरव्यू को डेट को लेकर, जो कि अभी अभी देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आना होगा। तो जो जितने सारे अपडेट्स आते हैं, ये अपडेट्स आपको फ्लैश वाले ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा। इस फ्लैश वाले ऑप्शन में मैं आपको अपडेट दिखा दूंगा, लेकिन अपडेट देखने के बाद आपको खुद इस लॉगिन वाले साइन पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप लॉगिन वाले साइन पे क्लिक करेंगे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। और आपको लेफ्ट साइड में जो डैशबोर्ड आप कर रहे थे, जैसे कि कई लोग जब आपने रजिस्टर किया होगा तो डैशबोर्ड के ऑप्शन में डेट सिलेक्शन लिंक का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो डेट सिलेक्शन लिंक का ऑप्शन कल से, मतलब 1 जून से शो होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको उस डेट सिलेक्शन लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका सेंटर अलोकेशन है, वो सेंटर अलोकेशन जॉइन इंडियन आर्मी के साइड से ही होता है। मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप खुद से डेंटर सेंटर को सिलेक्ट करो, आपके पास मात्र डेट को सिलेक्ट करने का ही चॉइस है। और जैसे ही आप डेट सिलेक्शन लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको अराउंड 6 to 7 dates का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बेस्ड ऑन वेरियस सेंटर। कुछ कुछ सेंटर में तो मात्र एक ही डेट देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक कैंडिडेट का मैसेज आया था, उनका सेंटर गुवाहाटी गया है और गुवाहाटी में मात्र 1 डेट का ऑप्शन मिला है। तो ये सेंटर टू सेंटर डिफर हो सकता है, इसमें आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक ही डेट का ऑप्शन मिला है तो आपको बस वही डेट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपना डेट सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में कई सारे डेट्स देखने को मिलेंगे, और डेट के लेफ्ट में आपको सिलेक्ट सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट सिलेक्ट इस टाइप से। यहाँ पे आपको सिलेक्ट सिलेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो आपका डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको बाद में दोबारा आप नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आप जब भी डेट सेलेक्ट करें, अच्छे से बारीकी से अपने आगे आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ध्यान में रखकर डेट सेलेक्ट करें, कि अगर बाद में आप नेक्स्ट टाइम एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका डेट क्लैश ना हो, या फिर आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई मतलब एयरफोर्स का एग्ज़ाम या फिर कोई और एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो वो डेट क्लैश ना हो, और अपने प्रिपरेशन लेवल को देखकर आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि डेट सेलेक्ट करने वक्त आपको क्या क्या माइंड में रखना है, लेकिन उसके पहले मैं वो अपडेट आपको दिखा देना चाहता हूं। तो आप इस फ्लैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस फ्लैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 जून, मतलब कल के दिन यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल गया था कि एनडीए 151st NA113 कोर्स का डेट सिलेक्शन लिंक जारी कर दिया गया है। इट विल रिमेन ओपन फ्रॉम 1st of June 3 PM टू 8th of June 3 PM, मतलब आपको 7 डेज़ का टाइम दिया गया है 1 जून से 8 जून को लेकर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम लेकर डेट सेलेक्ट करें, अपने आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को देखें कि डेट क्लैश ना हो, अपने प्रिपरेशन लेवल को देखें। वैसा नहीं कि अगर आपके मन में कोई ऐसा फहमी है कि अगर फर्स्ट डेट हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें रिकमेंडेशन रेट ज़्यादा है, लास्ट वाले डेट में रिकमेंडेशन रेट कम है, या फिर जो भी इस टाइप का अफवाहें, ये सारे अफवाहें से आप दूर रहें। जैसे आपका प्रिपरेशन लेवल हो, जो भी आपका प्रिपरेशन लेवल हो, उसी हिसाब से डेट सेलेक्ट करें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इफ़ इट इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट, तो लास्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट के पास तो चॉइस है, आपको जो भी डेट सूट कर रहा है अपने प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से। अगर अभी आपका प्रिपरेशन लेवल कुछ हद तक है, एक अच्छे लेवल तक है, देन इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट एनी डेट एज पर योर चॉइस। आप फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट, थर्ड डेट जो भी हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा नहीं है और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, इन दैट केस यू नीड टू लुक ओवर योर प्रिपरेशन। आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान होना होगा और उसी के हिसाब से लास्ट डेट, लास्ट बिफोर डेट या फिर सेंटर वाला जो डेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिन जिन का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर जिन जिन का अभी और एनडीए में अटेम्प्ट आना बाकी है, या फिर टीएस में अटेम्प्ट आना बाकी है,
तो उनको माइंड में रखना है कि जो नेक्स्ट एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, तो सितंबर से एक मंथ पहले वाला आप डेट सेलेक्ट करें, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो आपका SSB जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, तो जुलाई और अगस्त यही दो मंथ में जो डेट आ रहा है, यही दो मंथ में आप डेट सेलेक्ट कर लें। आपको सितंबर में नहीं जाना है या फिर अगस्त के एंड में भी नहीं जाना है। अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है तो आप जुलाई के मंथ में सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है अपने प्रिपरेशन लेवल को लेकर, तो उस केस में आप अगस्त के जो फर्स्ट वीक वाले ऑप्शन है या फिर जुलाई के जो लास्ट वीक वाले ऑप्शन है उसका डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि डेट सेलेक्ट किस तरह से करें एक लिस्ट ऑफ डेट्स के साथ, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आईडी देखने को मिल जाएगा @agam5921, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मैसेज करें और आप अपना जो डेट सिलेक्शन लिंक का जो ऑप्शन है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दें, ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि कौन कौन सा डेट अलॉट किया गया है, और उसके हिसाब से एनालाइज करके मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा डेट किन के लिए सही होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे आपको खुद से एनालाइज करना है कि आप अपने कमियों को, आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को जो आगे आने वाला है, आप अपने प्रिपरेशन लेवल को आप खुद जानते हैं, आपको कोई नहीं बता सकता है। तो ये डेट सिलेक्शन लिंक का जो ऑप्शन है ये आपको खुद ही सिलेक्ट करना होगा बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल, बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। सो यहाँ पे आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है, बस एक आइडिया दे सकता है, एक रफ आइडिया कि कहाँ पे क्या है। एक चीज़ और मैं लास्ट में बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी डेट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो चांस ऑफ रिकमेंडेशन है, जो चांस ऑफ सिलेक्शन है वो इक्वल है। वैसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट डेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो चांस ऑफ सिलेक्शन है वो ज़्यादा है, लास्ट डेट में कम है, या अगर आपने पहले कोई सीनियर से सुन रखा है, तो ये सब सारा गलत है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है, अगर आप वो 5 डेज में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, आप अपने टास्क में भाग ले रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप कोई भी डेट सेलेक्ट करें आपका रिकमेंडेशन होना निश्चित है। तो ये तो था डेट सिलेक्शन लिंक को लेकर, आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब कई लोग का डाउट होगा कि कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके ईमेल पे या फिर कोई और मीडियम के थ्रू, फ़ोन पे, ईमेल पे या कोई और मीडियम के थ्रू कोई कॉल लेटर नहीं आने वाला है। कॉल लेटर भी आपको इसी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आना होगा, और जैसे ही आप उस डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलाहाबाद हो गया, यहाँ पे आप SSB का सेंटर का नाम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलाहाबाद के बाद बैंगलोर, इसके बाद फिर भोपाल देखने को मिल गया, भोपाल के बाद जालंधर, देहरादून, मैसूर, वाराणसी, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम। अगर आप NDA एंट्री के थ्रू हैं तो इसमें आपका कोई भी सर्विस हो, बीट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सर्विस, ऑल द कॉल लेटर्स विल बी इश्यूड ऑन द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट ओनली। सारा कॉल लेटर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल NDA 2023 कोर्स का जो कॉल लेटर है वो अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो आपको एक नया कॉलम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कॉल लेटर 4SC अलाहाबाद NDA 2023, और यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप ये सारे PDF पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अभी NDA का कॉल लेटर नहीं आया है, आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब के थ्रू। सो NDA में भी अगर आपका फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है तो आपका कॉल लेटर इसी जॉइन एंड आर्मी की वेबसाइट पे ही आने वाला है। अगर आपको कोई बता रखा है कि वो एयरफोर्स के वेबसाइट पे या फिर नेवी के वेबसाइट पे आएगा, तो वैसा नहीं होता है। अगर आपने NDA एंट्री से फॉर्म भर रखा है तो आपका कॉल लेटर जॉइन इंडियन आर्मी पे ही आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सर्विस। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। और जिन जिन का CDS के थ्रू है, तो अगर आपने CDS के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो CDS के लिए अगर आपका फर्स्ट चॉइस IA में या फिर OTA था, तभी आपका कॉल लेटर जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे आएगा। लेकिन अगर आपका कॉल फर्स्ट चॉइस AFA था और आपने इसका कट ऑफ क्लियर किया है या फिर IA ने था, इन दैट केस आपका जो कॉल लेटर है जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर नहीं आएगा। इसके लिए आपको एयरफोर्स का वेबसाइट या फिर आपके ईमेल पे ही इसका कॉल लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि CDS एंट्री के लिए सिर्फ IMA और OTA, और NDA एंट्री के लिए सारे फोर्सेस का कॉल लेटर इस जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि जो लास्ट NDA था, NDA 150th कोर्स, गांधीनगर का कॉल लेटर हो गया, मैसूर का कॉल लेटर हो गया, सिमिलरली फॉर द वाराणसी, गुवाहाटी, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे विशाखापट्टनम का कॉल लेटर NDA 150th 149, और जो इस बार का कोर्स होने वाला है NDA 2023 का,
ये आपका NDA 151st है, NDA 151st कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कॉल लेटर आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी क्या करना है कि आपको अच्छे से अपने आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करके डेट सेलेक्ट करो, अच्छे से डेट सेलेक्ट कर लो। एक बार अगर आपने डेट सेलेक्ट कर लिया, दोबारा आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है आगे आने वाले वीडियो में, कॉल लेटर को लेकर किस तरह से फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तमाम डाउट आगे आने वाले वीडियो में लाता रहूँगा। और फिलहाल एक अपडेट और, अभी आपका TES 50th कोर्स का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा कि इसका एज लिमिट क्या है, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी 12th में हैं तो आपके लिए TES 50th कोर्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप NDA का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो कि आपको आर्मी में एज एन इंजीनियर सर्व करने का मौका देता है। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आईडी मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, एक बार फिर से मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, अगम 5921। ये टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें और यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, जय हिंद।